नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सीएम बोले, कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर बांटती। सभा में कहा, सरकार की तनख्वाह लेकर बरगलाने वाले शख्स नहीं जाएंगे, सलूम्बर को लेकर चिंता ना करें। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को सलूम्बर पहुंचे। दोनों ने यहां पर कांग्रेस और बाप को निशाने पर लिया। चामुंडा माता मंदिर परिसर के सामने चावड़ तिराहे पर सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है। कांग्रेस धर्म और जाति में बांटती है। कांग्रेस तुष्टिकरण पर चलती है। बाप का नाम लिए बिना कहा, ये बाप का नाम लिए बिना कहा, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे जयपुर उदयपुर कोटा में पढ़ रहे हैं, लेकिन वे आदिवासियों को बहका रहे हैं। उनके मन में कोई दर्द नहीं है। सीएम बोले, मैंने 84 में भी कहा है कि वो लोग होशियार हो जाएं जो तनख्वाह सरकार की लेते हैं और काम हमारे युवाओं को बरगलाने का करते हैं। उनको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा, हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि कौन सरकार का काम कर रहा है और कौन बरगलाने का काम कर रहा है। हम उनको छोड़ने वाले नहीं है।